फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आपके लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन लेके आया हूँ, जो कि दैनिक जागरण का है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट और एसएससी और भी जो 80 और 100 में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। कोरोना संकट से निपटने को लेकर अपनी राय प्रकट करने सामने आए राहुल गांधी ने यह कहकर तो सकारात्मक भाव का परिचय दिया कि अभी मोदी से नहीं कोरोना वायरस से लड़ने का समय है, लेकिन यह रेखांकित कर उन्होंने नकारात्मकता ही प्रदर्शित की लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने लॉकडाउन को जिस तरह खारिज किया उससे लोगों में भ्रम फैले तो हैरानी नहीं। ध्यान रहे कि पहले से ही कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि सरकार लॉकडाउन के जरिए उनकी परेशानी बढ़ा रही है। तबलीगी जमात के लोग तो न केवल ऐसा सोच रहे हैं बल्कि लॉकडाउन का हर संभव तरीके से उल्लंघन भी कर रहे हैं। आज यदि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कठिन हो गई है कि जमातियों के घर गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण ही, उम्मीद की जाती है कि संयम और अनुशासन का परिचय देने से इनकार कर रहे लोग राहुल गांधी की राय से प्रेरित नहीं होंगे और यह समझेंगे कि अगर भारत कोरोना के भयावह कहर से एक हद तक बचा हुआ है तो लॉकडाउन कारण ही। आखिर राहुल गांधी उस तथ्य को ओझल कैसे कर गए जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि अगर देश में समय रहते लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 15 अप्रैल तक 8 लाख से अधिक कोरोना मरीज हो सकते थे। उन्हें इससे भी अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए था कि दुनिया के अन्य अनेक देश कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ही सहारा लेने में लगे हुए हैं। आखिर जब यह प्रमाणित हो चुका है कि लॉकडाउन कोरोना से लड़ाई में एक कारगर हथियार है, तब फिर राहुल गांधी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उससे बात नहीं बनने वाली। राहुल ने लॉकडाउन की महत्ता को नकारते हुए इस पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। निसंदेह इसकी आवश्यकता अन्य अनेक लोगों की ओर से भी जताई जा रही है और यह समय की मांग भी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा ही किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य परीक्षण के काम ने गति पकड़ा है। राहुल गांधी एक ओर परीक्षण किट की कमी को स्वाभाविक भी मान रहे हैं और दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि परीक्षण बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह इस तरीके के बारे में कुछ बताते। निसंदेह इस समय बहुत से काम किए जाने की जरूरत है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को तो देश के सीमित संसाधनों से परिचित होना ही चाहिए। पहाड़ी राज्य की आर्थिकी में सेब महत्वपूर्ण है। हर साल करोड़ों टन सेब हिमाचल से अन्य राज्यों को जाता है। हिमाचल में कोल्ड स्टोरों में हजारों टन सेब रखा जाता है जो साल भर बेचा जाता है। हिमाचल
समेत कुछ राज्यों में कर्फ्यू और अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण कोल्ड स्टोर से सेब अन्य राज्यों में नहीं भेजा जा रहा है। इससे बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। उपज कोल्ड स्टोर में रखते हैं, लेकिन अब उन्हें इसके खराब होने की आशंका भी है। बागवानों का कहना है कि इस सेब को मार्च से जून तक बेचा जाता है, लेकिन काफ़ी समय कर्फ्यू के कारण निकल गया है। जुलाई में निचले क्षेत्रों से अगली फसल बाजार में आ जाती है। अगर कुछ दिन और कर्फ्यू रहा तो उनके लिए कोल्ड स्टोर में रखे सेब को निकालना मुश्किल हो जाएगा या सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। कोई भी ट्रक चालक अन्य राज्यों को जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की शर्त है कि जो भी अन्य राज्यों में जाएगा उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर कोई चालक ट्रक ले जाने के लिए तैयार होता भी है तो लोड करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यह सही है कि कोरोना वायरस के कारण यह स्थिति आई है, लेकिन सरकार को इस तरह की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है कि करोड़ों रुपए के सेब को मंडियों तक पहुंचाया जाए। बागवानों को भी अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि महामारी के लिए बनाए नियम भी ना टूटें और उनका नुकसान भी ना हो। स्टॉप। दोस्तों, ये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, आप इसको लिखें, प्रैक्टिस करें। और ये दैनिक जागरण ऑडिटोरियल का है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।